हेलो दोस्तों, आज मैं 10th क्लास के लिए कुछ सवाल लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए, इससे बहुत ज्ञान वर्धन होगा मैथमेटिक्स में। क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.5 का सवाल है। ये आपके पास किताब होगा, किताब में भी देख लेंगे। हम सुविधा के लिए हम क्वेश्चन भी लिख दिए हैं ताकि आप लोग का कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे चैनल में आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत, और मेरा वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं सवाल बनाने जा रहा हूँ। ये सवाल देखिए, इसके पहले वाला सवाल हम बनवा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बी सी, और ये बी सी 12 नंबर सवाल का है, जिसमें पहले ए और ए बनवा दिए थे। अब बी से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन द्विघात समीकरण का प्रकृति लिखो, और दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से है कि प्रकृति लिखो। तो प्रकृति कैसे हम पता करेंगे, प्रकृति उसके लिए बहुत आसान है। देखिए इसका हम प्रकृति लिखते हैं। बी का 1 नंबर सवाल, 2 नंबर खुद बना लीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या है? तो कैसे जानेंगे, ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर भी 1 है, ये हम लोग जान चुके हैं। अब हमारा प्रकृति जानने के लिए केवल एक सूत्र बैठाइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब इसी से हम प्रकृति जान लेंगे। प्रकृति क्या होगा, तो b के जगह पे बैठाएंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे बैठा दो 1, और c के जगह पे भी 1 बैठाएंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू कितना आ गया बोलिए तो माइनस 3। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव आता हो, यानी माइनस में आता हो, तो समझ लीजिए कि उसका जो मूल है वो मूल क्या होगा, और वास्तविक होगा। तो इसका मूल क्या होगा लिखेंगे, इसलिए मूल अवास्तविक अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर यहां पे आ जाए तो इसका प्रकृति होता है वास्तविक तथा समान, और अगर पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तो उसका हो जाता है वास्तविक और असमान। मतलब दोनों मूल असमान होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पे दोनों एक और दो करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट सी में चले आते हैं। तो सी का देखिए सवाल, सी नंबर में क्या कहा गया है सो देखिए। 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इजकल टू 0 के दोनों मूलों का योग तथा गुणनफल का अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। तो निश्चित रूप से हम इसको बना के देखते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 18 इजकल टू 0। अब दोनों मूलों का योग कहा तो a बराबर 7 हुआ, b बराबर माइनस 12 हुआ, और c बराबर 18 हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको निकालते हैं मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर हो जाएगा माइनस माइनस 12 बटे 7 बराबर हो जाएगा 12 बटे 7, याद रखिएगा। अच्छा, फिर अल्फा इंटू बीटा इसको निकालेंगे सी बटे ए, तो सी के जगह पे कितना हुआ 18, और ए के जगह पे कितना हो गया 7। तो इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात जब पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, दोनों के बीच में अनुपात। देखिए मूलों को यहां लिखा है कि दोनों मूलों का योग तथा गुणनफल का अनुपात, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको मान आ गया कितना आ गया जल्दी बताइए 12/7, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 18/7। निश्चित रूप से 7/7 काट देंगे, या 6 का टेबल में काट देंगे तो 6×12=18, यानी इसका मान आया 2:3, और यही हो गया आंसर। तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा से इसको समझिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए दो नंबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर 0 के दोनों मूल परस्पर विपरीत हो तो सी का मान कितना होगा। तो एक चीज देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये तो समीकरण का ही स्वरूप है, बराबर 0। तो इसमें बताया जा रहा है कि दोनों मूल परस्पर विपरीत हो, तो मान लो कि पहला मूल मान लीजिए कि अल्फा है, तो दूसरा मूल विपरीत जब है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 1/अल्फा हो जाएगा। और चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग सी बटे ए, अब यहां पे बोला जा रहा है कि एक दूसरे के विपरीत हो तो सी प्लस ए का मान निकालने के लिए कहा गया, तो अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन बीटा की जगह पे 1/अल्फा लिख सकते हैं,
सी बटे ए अल्फा अल्फा कट जाएगा या सी बराबर कितना आ गया ए आ गया। तो अब बताइए यहां पूछा है कि सी बराबर कितना होगा, तो सी बराबर ए होगा। और देखिए एक सवाल और इसी में हम बता देते हैं, दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा है कि वही सेम है क्वेश्चन लेकिन दोनों मूल विपरीत हो तो सी प्लस ए का मान कितना होगा। तो ये सवाल हम यहीं पे बता देते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। सी प्लस ए अगर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के एक साइड कर लेंगे, सी बराबर ए हुआ तो ए प्लस सी का मान हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, सी का मान जितना है उतना ही ए का मान है, तो सी प्लस सी करके हम इसका मान निकाल लेंगे। तो ये हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, आगे का सवाल हम बनाते रहे हैं वो है देखिए 13 का एक नंबर सवाल। 13 का एक नंबर सवाल जब देखेंगे तो देखिए सवाल, किसी द्विघात समीकरण का दोनों मूल का योगफल 14 तथा गुणनफल कितना है 24, तो द्विघात समीकरण का रचना करो। तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि द्विघात समीकरण जब हम रचना करते हैं तो द्विघात समीकरण समीकरण लिखने का सूत्र हमको जानना पड़ेगा। सूत्र से क्या है कि अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब आराम से हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह देखिए कितना है 14, यहाँ लिख नहीं रहे हैं डायरेक्ट हम बिठा दे रहे हैं 14x प्लस अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा इंटू बीटा के जगह हम 24 लिखेंगे। ये हम इसके पहले वाला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सिखा चुके हैं इसलिए इसमें देख लीजिए ये इसका आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ये हम आराम से बना लिए। फिर 13 का दो नंबर सवाल देखिए kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 के दोनों मूलों का योग और गुणनफल का मान समान हो तो k का मान कितना होगा। तो देखते हैं इसका गुणनफल और kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k बराबर 0, बोलिए a बराबर k, b बराबर 2 और c बराबर 3। अब क्या क्या कह रहा है, दोनों मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो पहले गुणनफल निकालते हैं या पहले जो योगफल निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर माइनस टू बटे ए का मतलब के निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा में निकाल लेंगे तो सी बटे ए बराबर थ्री बटे के निकाल लिए हैं। अब ये दोनों का मान क्या है, बराबर है, प्रश्न के अनुसार दोनों का मान बराबर है, यानी चूंकि प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये दोनों बराबर है माइनस टू बटे के बराबर थ्री बटे के, माइनस टू बटे के और थ्री बटे के, तो इसमें मान किसका पूछा जा रहा है, मूलों का योग और गुणनफल समान हो, दोनों समान हो तो के का मान निकालो। अच्छा के का मान निकालो, रोक दे थोड़ा, तो कहां टिक गया, तो 14 नंबर सवाल 13 नंबर का हो गया, अब 13 नंबर का एक हो गया। अब दो नंबर सवाल जो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें a बराबर k हुआ, b बराबर 2 हुआ और c बराबर हो गया 3k, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे है तो यहाँ पे 3k बटे k करेंगे तो k यहाँ कट भी जाएगा तो इसका मतलब 3 ही हो गया, है ना। तो अब हम इसको जब बैठाएंगे तो यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे, 3/1 कर सकते हैं तो 3/1 कर लेंगे। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k इक्वल टू माइनस 2 इसलिए k बराबर आ जाएगा माइनस 2 बटे 3 और ये हो जाएगा आंसर। अब कुछ क्वेश्चन और बच गया है हम बनाने जा रहे हैं, तो देखिए तीन नंबर सवाल देखिए, 13 का तीन नंबर सवाल हम बना, ये 13 का तीन नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 यानी 105 बराबर 0 है और दोनों मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा का मान बोला गया, हालांकि हम सूत्र में जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान लेकिन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ दिया गया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो पहले तो वही a बराबर 1, b बराबर -22 और c बराबर 105 लिख लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना ही पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर माइनस माइनस 22 बटे ए के जगह पे 1 बराबर 22 ही आ गया, और फिर अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए तो आएगा कितना सी बटे ए बराबर 105 बटे 1 बराबर 105। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अब चूंकि अल्फा माइनस बीटा कह रहा था, एक सूत्र देखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 ए बी माने अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें हम लोग इसका मान बैठा देंगे। तो इसका मान बैठाएंगे तो 22 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 105। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 484 आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 420, अब ये आ गया हमारा, माइनस करेंगे तो 64 आया। अब 64 आया तो अल्फा माइनस बीटा जब निकालेंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, दूसरी तरफ करेंगे तो रूट हो जाएगा, या दोनों तरफ रूट कर देंगे तब भी निकल जाएगा। तो इसके लिए इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा का मान भी हम लोग निकाल लिए। ये है अल्फा माइनस बीटा का मान, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2x माइनस 1 के दोनों मूल का योग शून्य होने पर k का मान कितना होगा। अब ये दोनों मूलों का योग शून्य बोल रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य बोल रहा है। तो सबसे पहले देखें समीकरण को, हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2x माइनस 1 ये है। अब इसमें देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएं तो 2kx माइनस माइनस प्लस k आ जाता है ना। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो निश्चित रूप से इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं कॉमन। अच्छा x हम बाद में लेंगे, बाद में लिखेंगे x, तो कॉमन तो लेना ही है। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2k बचेगा, यहाँ x रहने दीजिए। अब ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया है, बोलिए a बराबर क्या होगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2k और c बराबर हो जाएगा k, है ना। अब यहाँ पे क्या कहा है प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बता रहा है, प्रश्न के अनुसार हमको बोला जा रहा है कि मूलों का योगफल शून्य है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो। अब अल्फा प्लस बीटा अगर इसका हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे निश्चित रूप से अल्फा प्लस बीटा के लिए लिखेंगे माइनस बी बटे ए बराबर जीरो इसके जगह पे, तो माइनस बी यानी माइनस और माइनस 1 प्लस 2k, है ना। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें बटे ए, ए का मतलब तो 1 हुआ, 1 बराबर जीरो, या माइनस माइनस प्लस होता है 1 प्लस 2k बराबर जीरो, या 2k बराबर माइनस 1, इसलिए k बराबर आ गया माइनस 1 बटे 2, और यही आंसर हो गया। तो कितना आराम से हम लोग इसको भी बना लिए हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने पर कमेंट जरूर करिएगा। पांच नंबर सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस 12 बराबर जीरो, और एक समीकरण और दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 इजकल टू जीरो। यहां देखिए दो समीकरण दिया है ना, लेकिन यहां पे कह रहा है कि समीकरण का एक मूल 2 हो तो q का मान कितना होगा। तो पहला समीकरण से हम चलते हैं, समीकरण एक से एक मूल तो बता दिया है, इसलिए एक में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इजकल टू जीरो, या एक्स की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, है ना, या हम लिख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि वहां पे बताया गया है कि एक मूल 2 है, इसलिए यहां पे 2 रख देंगे। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इजकल टू जीरो, ध्यान से देखिएगा 4 प्लस 2b प्लस 12 इजकल टू जीरो, या 2b इजकल टू 12 4 16 यानी ये हो जाएगा माइनस 16, या b इजकल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 कट गया तो माइनस 8 आ गया। अब देखिए b का मान जो आया है उसको समीकरण 2 में रख लेंगे। अब लिखेंगे b का मान किस में रखने पर,
समीकरण दो में रखने पर, तो रख देंगे, रखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर लिखेंगे ही, लेकिन बी की जगह पे देखिए मान आ गया है माइनस एट, तो माइनस एट एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, माइनस एट एक्स नहीं देंगे बल्कि टू दे देंगे क्योंकि एक्स का मान तो दिया हुआ है ही। अब आया फोर प्लस माइनस माइनस 16 प्लस क्यू इजकल टू जीरो, अब इसको थोड़ा घटा लीजिए तो आ जाएगा कितना, माइनस 12 प्लस क्यू इजकल टू जीरो, या क्यू इजकल टू अगर निकालेंगे तो प्लस 12 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ये मेरा वीडियो इसका पूरा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा समीकरण जो जटिल था वो हमने बना दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कमेंट करिएगा तो हम अच्छा से वीडियो तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए।